इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मानव इतिहास में शायद ही कभी इतने बड़े पैमाने पर किसी बीमारी की चपेट में पूरी दुनिया आई होगी, जैसा इस बार कोविड-19, जिसको कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है। WHO ने, यूनाइटेड नेशन ने भी इसको एक महामारी का नाम दिया है, और इसलिए मेरी सभी साथियों से ये अपील और प्रार्थना है कि ऐसे समय में हम जो सरकार की हिदायतें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, बीमारी क्योंकि ये संक्रमण से फैलती है, इसलिए जितना हम दूरी बना करके रखेंगे उतना हम सब के लिए ये अनिवार्य है, और इस महामारी का हम मिल करके डट करके मुकाबला करें। पूरी दुनिया से जिस तरीके के खबरें आ रही हैं, चीन, इटली, स्पेन, अमेरिका, बड़े बड़े देश जो बहुत हर तरीके से संपन्न हैं, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं हमारे से कई गुना बेहतर हैं, आज वो भी हजारों की संख्या में वहाँ पर संक्रमित लोग हैं, सैकड़ों लोग रोज मारे जा रहे हैं। ऐसे में जो बचाव है वही सबसे बड़ी सुरक्षा है, वही सबसे बड़ा उपाय है, और इसीलिए सरकार ने फैसला लिया कि 21 दिन पूरा लॉकडाउन पूरे भारतवर्ष को करके रखना है। लेकिन साथ साथ जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, मैं समझता हूँ कि जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं वो अपना काम कर रहे हैं, एसेंशियल सर्विसेज के अलावा लोग बाहर ना जाएं। देखने में आता है कि कभी पुलिस के साथ झड़प हो रही है, पुलिस मार रही है, ये जातियाँ भी नहीं होनी चाहिए। कल ही पंचकुला का मामला एक मेरे संज्ञान में आया, पूरे दिन पुलिस स्टेशन में एक परिवार को पीटा गया, कुछ खास सुनी हुई। तो इस तरह की हम जो मामले हैं उनसे बचाव रखें, और जो जितना हम कॉपरेट करके चल सकते हैं वो भी देखें। रोज़ खबर आ रही है कि 30 करोड़ लोग जो रोज़ कमा करके खाने वाले हैं उनके ऊपर, उनकी रोजी रोटी के ऊपर प्रतिकूल असर इसका पड़ा है। सरकार अपने पैकेज अनाउंस कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन समाज के नाते, एक भारतवासी के नाते हम भी जो उसमें सब लोग मिलकर के सहयोग कर सकते हैं वो करें। अभी कटाई का सीज़न शुरू भी हो गया है कई जगह, अभी आने वाले समय में गेहूं की कटाई वो शुरू होगी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जहां 30-35 करोड़ मजदूर इससे प्रभावित हैं, वहीं एक बड़ी किसानों की आबादी जो देश की आधी आबादी है वो भी इससे प्रभावित होगी। तो हर वर्ग को आज, क्योंकि इंडस्ट्री बंद है, आज किसी भी हम क्षेत्र में देखें सर्विस सेक्टर वो इससे प्रभावित हुआ है। तो ऐसे में आने वाले समय में जो, क्योंकि चुनौतीपूर्ण समय है, गंभीर चुनौतियां हमारे सबके सामने आएंगी, वो आर्थिक तौर पे भी होगी, वो दूसरे तरीकों से भी होगी। तो मिल करके, क्योंकि अगर हम हौसले से एक संक्रमण इसको रोकने में कामयाब हुए, वही सबसे, क्योंकि इसका कोई ना कोई टीका तैयार हुआ है, ना कोई और इलाज अभी तक सामने आया है, तो बचाव ही सबसे बड़ा इसका इलाज है। इसलिए सारे साथी मिल करके आओ, तमाम हरियाणावासी भी, तमाम देशवासी भी इससे मिल करके मजबूती से लड़े, क्योंकि अगर हमने इसकी रोकथाम समय पर नहीं की तो ये 130 करोड़ आबादी वाला जो मुल्क है एक बहुत ही चुनौती और संकट के समय से जूझेगा। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।